आप देख रहे हैं शेर घाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। डुमरिया प्रखंड जो है वो शेर घाटी अनुमंडल का सुदूरवर्ती प्रखंड है और ये इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है। इमामगंज ये डुमरिया का जो बस स्टैंड है इसको लेकर कई बार आपने और पहले भी खबरों में देखा भी है और इस पर चर्चाएं भी होती रही हैं। कई बार यहाँ के बस स्टैंड को लेकर आवाज़ें उठी हैं कि यहाँ बस स्टैंड नहीं होने से लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता रहा है और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बसें हैं जो अंतर्राज्यीय बसें चलती हैं, मतलब यहाँ से कोलकाता जाती हैं बंगाल के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए, झारखंड की सीमा है तो यहाँ से झारखंड की बसें भी जाती हैं, तो एक दूर दराज की बसें चलती तो ज़रूर है लेकिन वो तमाम बसें सड़कों पर लगी होती हैं और उससे काफ़ी यहाँ के यात्रियों को कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ मसूद खान साहब हैं जो कि जेडीयू लीडर हैं और इन्होंने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी से बहुत सारी बातें रखी हैं। हम जानना चाहते हैं इस मुद्दे पर किस तरह से बातें हुई हैं। सर ये बताइए कि यहाँ की जो बस स्टैंड की समस्या है उसको आप किस तरह देखते हैं और उसके लिए क्या कदम उठाया है? देखिए 23 मई को मैं पटना गया था, हमारे बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई। मैंने 3 लेटर उनको अपने लेटर पैड पे लिख के दिया। हमारा डुमरिया प्रखंड में जो जो प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम ये था कि बस स्टैंड नहीं होने के कारण साल में 4-5 लोगों की एक्सीडेंट से जान चली जाती है और कई स्टेट से यहाँ बस आती है, जैसे बंगाल से, यूपी से, झारखंड से और भी कई जगहों से आती है। दूसरा लेटर ये था कि फायर ब्रिगेड की ऑफिस नहीं होने के कारण यहाँ किसानों के खेतों में आग लग जाती है, गरीबों का घर जल जाता है। और तीसरा था कि डुमरिया प्रखंड में ब्लॉक, ये बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है ब्लॉक भवन शौचालय नहीं है, जिसके कारण मैंने उनको दिया था कि यहाँ ब्लॉक भवन का नए सिरे से निर्माण कराया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारी बातों को फायर ब्रिगेड का कोई इंतजाम यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल नहीं। शेर घाटी तो कैसे आग वाग लगने पर क्या जल जाता है, लोगों का घर जल जाता है, किसानों के खेत में आग लग जाती है, फसलें जल जाती हैं। अच्छा, क्या उपाय लगता है उसका? उतना कैसे फिर भी कहीं तो मंगवाते तो होंगे लोग? नहीं, शेर घाटी से आते आते वो पूरा किसानों के खेत को जलता हुआ देखते हैं लोग और घरों को भी जल जाते हैं। तो लोग प्रतिनिधि, यहाँ के जो विधायक हैं या पहले से जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया, क्या हुआ? नहीं, उन लोगों ने भी बात कहीं ना कहीं रखी होगी। अच्छा। लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई है, मैं इसको भी नहीं नकार सकते। लेकिन मैं अपने स्तर से, क्योंकि हमारी सरकार है, हम अपने नेता से लिखित तौर पर मैंने दिया है उनको कि सर हमारे इलाके में इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस हो रही है, आप इस पर ध्यान। क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? देखिए हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी से बहुत सारे बिहार के लोगों को उम्मीदें हैं, हम लोग भी सुदूरवर्ती इलाके के लोग उम्मीद रखते हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट का काम हमारे यहाँ हुआ है तो ये भी एक डेवलपमेंट है। हम आवाज़ टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं और हम उम्मीद रखते हैं उनसे ये सॉल्व हो। चलिए, इन्हें उम्मीदें हैं कि डुमरिया बस स्टैंड के लिए लेकर जो इन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर प्रयास किया है तो उस पर काम हो सकता है, ऐसी उम्मीदें बन रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।